क्या बालाघाट के परसवाड़ा भादोकोटा में लगेगा दिव्य दरबार? क्या छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बालाजी मंदिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कुमार शास्त्री सुना पाएंगे वनवासी रामकथा? क्या राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन आयुष जल संसाधन विभाग और बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकिशोर नानू कावरे के अपने क्षेत्र की जनता को सुनवा पाएंगे वनवासी रामकथा? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आगमन को लेकर कलार समाज ने शहर के अंबेडकर चौक गार्डन में एकजुटता के साथ विरोध जताया। वहीं आदिवासी समाज भी साथ खड़े उतरकर अंबेडकर चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल सहित पुतला दहन भी किया। आगे बता दें आपको कि अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने कहा कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा वनवासी रामकथा का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जहाँ पांचवी अनुसूची लागू हो जिसमें पेशा कानून लागू होने जैसे प्रतिबंधित हो, जहां की धार्मिक आस्थाएं जिनको प्रभावित करने के लिए प्रदेश सरकार एवं प्रशासन ऐसे कार्यक्रम के लिए अनुमति दी है जिनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद से हूं और आज हम लोग यहां पे बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है उसका पुरजोर विरोध करने आए हैं, क्योंकि ऐसे विवादित जो पंडित कथा वाचन है, जो वनवासी कथन जिसका कोई औचित्य नहीं है आदिवासी क्षेत्रों में, पांचवी अनुसूची जहाँ लागू है और वहाँ पे पेशा कानून लागू है, ऐसे क्षेत्रों में प्रतिबंधित है, क्योंकि वहाँ की प्रदेश सरकार ने भी इस प्रकार बात को माना है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा और वहाँ की रूढ़ी प्रथा और वहाँ के जो रीति रिवाज है और वहाँ की जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसको प्रभावित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को जो होना प्रतिबंधित है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में है। और ऐसे कानून का उल्लंघन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रशासन जिस प्रकार से वहाँ पे कार्यक्रम को का आयोजन के लिए अनुमति दी गई है, जिसका पुरजोर हम विरोध कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को नहीं होने देने के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं और प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ और वहां की जो आयोजन समिति है उसके खिलाफ हम लोग जनहित याचिका दायर करने जाएंगे अगर प्रशासन ने हमारी बातों को नहीं माना तो। सरकार ने ही खिलाफ की, इसका क्या अभिप्राय निकलता है? इसका अभिप्राय ये निकलता है कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार में भी वही जो नेता इस आयोजन करवा रहे हैं उसका प्रशासन पूरा पूरा साथ दे रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये हमारा कहना है। कुछ लोगों पे मामले भी दर्ज किए गए, ऐसी बात सामने आ रही थी जी। हमें वहाँ पे बातचीत करने के लिए बुलाया गया परसवाड़ा थाना क्षेत्र में, वहाँ के लोग, वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है उन लोगों के साथ में वहाँ पे जो गलत तरीके से वहाँ अनुबंध उसमें लगाया गया, कुछ धाराएं लगाई गई है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या ग्राम सभा की बैठक से अनुमति ली गई थी? ग्राम सभा हुई थी? ग्राम सभा की कोई अनुमति नहीं ली गई है, ग्राम पंचायत की वहाँ जो अनुमति का बात कर रहे हैं वो अनुचित है, क्योंकि वो पंचायत अनुबंध के क्षेत्र में आता है, ना कि पंचायती राज अधिनियम में आता है, इसलिए पंचायती राज जो है वहाँ लागू नहीं होता है, पंचायत अनुबंध लागू होता है, उसके हिसाब से ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है उसकी अनुमति चाहिए थी और ग्राम सभा की अनुमति अगर वो दे भी देते हैं तो भी वहाँ पे हमारे को अधिकार दिए हैं कि अगर कोई ग्राम पंचायत की जो सभा है वो अगर गलत समाज के लिए सार्वजनिक रूप से गलत स्टेप लेती है तो उसको रोकने के लिए हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जो सामाजिक संगठन है उनको पूरे क्षेत्र के, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। गलत शब्दों का उपयोग किया भगवान संस्थाओं के लिए, तो मैं पूरे संपूर्ण कला समाज से माफी चाहता हूँ कि मैं अंधे से किसी भी धर्म या किसी भी महापुरुष के लिए गलत शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, ऐसा माफी मांगता है। तो अगर नहीं मांगता तो कार्यक्रम होने देंगे कि नहीं? कार्यक्रम अलग है, ये अलग कार्यक्रम हम धीरे शास्त्री का कर रहे हैं, विरोध धीरे शास्त्री का हम कर रहे हैं, कार्यक्रम मतलब ही वो है, धीरे शास्त्री का पूरा विरोध कर रहे हैं हम। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होलीगेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी है, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।